हे गाइस व्हाट्स अप। सो क्या हाल चाल है तुम सब के? आई होप कि जैसे भी हो सही हो। सो डू यू नो देयर आर टू इंडियन आर्टिस्ट जो कि के पॉप इंडस्ट्री में, और आई गेस तुम में से बहुतों को ये पता होगा। सो देयर इज अ ग्रुप नोन एज जी स्टार्स, और इस ग्रुप में 14 मेंबर्स है टोटल। और ये ग्रुप जो है वो दो सब ग्रुप्स में बटा हुआ है, जो कि है जी गर्ल्स और जी बॉयज़। मतलब कि 7 बॉयज़ का एक ग्रुप और 7 गर्ल्स का एक ग्रुप। ओके, सो मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है भाई? दिस ग्रुप इज़ गेटिंग सो मच हेट, और स्पेशली इंडियंस भाई। तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। सो पीपल स्टार्टेड हेटिंग देम फॉर सम ऑफ दीज रीजंस। सबसे पहली बात तो है कि जो ये ग्रुप है इसमें 14 बंदे हैं, मतलब 7 लड़कियाँ 7 लड़के, बट इसमें से एक भी कोरियन नहीं है। मतलब अलग अलग देश के हैं सारे, बट एक भी कोरियन नहीं है। और ये है के पॉप ग्रुप, मतलब ये तो यही कहते हैं कि के पॉप ग्रुप है। सो जो लोगों का कहना है वो यही है कि भाई अगर कोई कोरियन ही नहीं है तुम्हारे पूरे ग्रुप में तो ये के पॉप कैसे हुआ। ऊपर से जो दूसरा पॉइंट भी इसी में ही है कि जो इसके कुछ गाने हैं वो पूरे इंग्लिश में है, मतलब उसमें कुछ कोरियन यूज़ नहीं करी गई है। तो ये भी एक पॉइंट है कि भाई तुम के पॉप ग्रुप बोलते हो, इसमें कोई कोरियन बंदा नहीं है, तुम्हारी लैंग्वेज जो तुम जिसमें गाना गाते हो वो इंग्लिश है, तो तुम के पॉप बोलते ही क्यों? और इस चीज़ को लेके जो कोरियंस, स्पेशली कोरियंस जो ऑडियंस है वो काफ़ी हेट करती है इस ग्रुप को। कि मतलब ये नहीं कहूँगा सब करते हैं, बट कुछ परसेंटेज ऑफ ऑडियंस है जो कि हाँ करती है, और स्पेशली फॉर दीज रीजंस। सो ये दो मेजर रीजंस है जिसकी वजह से इस ग्रुप को हेट मिल रही है। स्पेशली जो इंडिया से दो आर्टिस्ट है जिन्होंने डेब्यू किया है एज एन के पॉप आर्टिस्ट, वो है सिड और प्रियंका। तो इन दोनों को थोड़ी ज़्यादा हेट मिल रही है। एक तो मतलब ग्रुप को हेट मिल रही है, ऊपर से ग्रुप में सबसे ज़्यादा हेट इन दोनों को मिल रही है। पता है क्यों? मतलब सोचो तुम क्यों मिल रही होगी, मतलब खुद से सोचो। तो इन्हें हेट मिल रही थी इनके फेस कलर की वजह से, इनके जो स्किन टोन है, जो उसका कलर है, उसकी वजह से, स्पेशली प्रियंका को। क्योंकि तुम इस ग्रुप में जितने भी बंदे होंगे वो कहीं ना कहीं मतलब जो टिपिकल एशियन कैसे दिखते हैं, जो उनका स्किन होता है, जो उनका कलर होता है, उन सब से मैच कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं कोरियंस को भी वो ठीक लग रहे थे एक हद तक, बट प्रियंका एंड सिड जो कि हम इंडियंस लोग हैं, मतलब हमारी स्किन ऑब्वियसली बहुत अलग होती है। जैसे तुम कोरियन, चाइनीज़ इनसे तुम अगर कंपेयर करोगे, तुम्हें भी पता है कि हमारी स्किन अलग होती है। तो बस उसी चीज़ को लेकर दे स्टार्टेड हेटिंग ऑन देम, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्किन। और हम सबको पता है, जितने भी के पॉप को फॉलो करते हैं, हम सबको पता है कि के पॉप में लुक्स कितने मैटर करते हैं, मतलब कितने ज़्यादा ही मैटर करते हैं। कि लाइक इतने मैटर करते हैं कि अभी डेब्यू भी नहीं कर रहा है, जस्ट अभी उनकी फ़ोटोज़ रिलीज हुई है। जैसे एक कोई ग्रुप बनता है तो उनकी पहले फ़ोटोज़ दिखाई जाती है कि ये बनता है, जैसे इंट्रो टाइप, राइट? ग्रुप में मतलब मेन चीज़ें क्या होती है? सिंगिंग करना, डांस करना, कंपोजिंग, रैपिंग, ये सब होता है। लुक्स तो होते ही नहीं है, बट उन बंदों को जस्ट फ़ोटोज़ के आधार पर जज किया जाता है और हेट करना चालू कर देते हैं क्योंकि वो अच्छे नहीं दिखते। डजेंट मैटर कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, डजेंट मैटर कि तुम बहुत अच्छे डांस करते हो, बट अगर तुम अच्छे नहीं दिखते पीपल विल हेट यू। मतलब सब नहीं करेंगे, बट 20-15-30% कुछ बंदे होंगे बेवकूफ़ लोग जो कि तुम्हें सिर्फ इसलिए हेट करेंगे क्योंकि तुम अच्छे नहीं दिखते। और ये मतलब सिड और प्रियंका नए नहीं हैं, ये सबके साथ हुआ है। BTS में जिमिन, क्योंकि वो थोड़ा चबी या फिर थोड़ा फैट दिखता था तो इसलिए उसको हेट की जाती थी। जे होप को, या फिर हर ग्रुप में कोई ना कोई होता है, हर ग्रुप में कोई ना कोई होता है जिसको सिर्फ उसके लुक्स की वजह से हेट किया जाता है। मतलब यार ये थिंकिंग तो मुझे भी समझ नहीं आती। पीपल रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ़ यू जस्ट वॉन्ट गो फॉर लुक्स, देन वाई आर यू इवन लाइक फॉलोइंग डांसर्स, सिंगर्स और एनी अदर आर्टिस्ट हुज टैलेंट इज़ नॉट रिलेटेड टू लुक्स? आई मीन मुझे समझ नहीं आता भाई, मुझे सीरियसली समझ नहीं आता। हाउ कैन यू हेट समवन, मतलब जिसका लुक से कुछ लेना देना ही नहीं है भाई। वो डांस अच्छा करता है, वो सिंगिंग अच्छा करता है, कोई मैं अच्छा गाना गा रहा हूँ और मैं सिंगर बनना चाहता हूँ तो तुम मुझे हेट क्यों करोगे क्योंकि मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, इसलिए तुम मुझे हेट क्यों करोगे? तुम हेट करोगे कि भाई तू ऑटो ट्यून यूज़ करता है, भाई तू गाने अच्छे नहीं गाता, भाई तेरी लिरिक्स अच्छी नहीं होती। ओके, वो समझ आता है, बट तुम्हारे लुक्स अच्छे नहीं है इसलिए तुम अच्छे सिंगर नहीं हो। फक मैन, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली बात है ये। तो हाँ, इसलिए जो दो इंडियन आर्टिस्ट है उन्हें काफ़ी हेट मिल रहा है। ऐसा नहीं हेट ही मिल रहा है, प्यार भी बहुत मिल रहा है, बट जो बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है मतलब रिलेटेड टू अदर्स, उन दोनों को थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। एंड दैट, सो या आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। मैं बस चाहता हूँ कि मे बी सिड और प्रियंका यूट्यूब देखें, क्योंकि सिड पहले एक यूट्यूबर ही था। मे बी मतलब शायद तक ये वीडियो पहुँच जाए और उन्हें पता चले कि जितने बंदे उन्हें हेट कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो या और प्रियंका ने तो बोला भी है कि वो BTS की फ़ैन है तो वो कभी हार नहीं मानेगी, उसे पता है कि ये सारी चीज़ें होती है और ये सबके साथ होती है। सो या
आई होप कि वो सब अपने करियर में बहुत सही करें. आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर देयर करियर. सो या आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक साथ. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.